ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर की बात करते हैं। लव जिहाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा, बीजेपी के नेताओं को यह पूछना है आखिर उनका विवाह लव जिहाद के दायरे में आता है या नहीं। कानून अगर बनता है तो बीजेपी नेताओं की भी शादियां लव जिहाद के दायरे में आएंगी। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है, लव जिहाद कानून का कम स्वागत करते हैं, लेकिन लव जिहाद के नाम पर फंसाने वालों पर कार्रवाई की जाए, कांग्रेस को सब समझ आ जाएगा। आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसका जवाब जरूर मिलेगा। बढ़िया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है। लव जिहाद कानून बनाने के हम सभी स्वागत करते हैं कि शीघ्र कानून बने और अमल में आना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके आपत्ति क्यों, इस पे आपत्ति की जाती है और आपत्ति के पीछे कारण क्या है। जो भाजपा को बांटने की बात करती है, ये स्वयं कितने बटे हुए हैं आपस में और कितना खंडों में बांटने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है, ये देश की जनता को मालूम है। और इसीलिए देश की जनता लगातार आने वाले समय में इनको पहले भी जवाब दिए हैं और आने वाले समय में भी इनको जवाब देगी।